तो आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओडिशा में 3 ट्रेनें आपस में टकराई, अब तक 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल। पीएम मोदी ने बालासोर पहुंचकर घटना स्थल का लिया जायजा। ओडिशा ट्रेन हादसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश, मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए मुआवजा देगा पीएमओ और रेल मंत्रालय। महंगाई से मिलेगी राहत, खाद्य तेल के दाम 12 रुपए तक होंगे कम, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से कंपनियों को दिए कटौती के आदेश। अब कैंसर का इलाज होगा आसान, 3 राज्य महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे टाटा मेमोरियल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक देगा करोड़ों का योगदान। लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 350 और एनडीए 400 सीटें जीतेगी, भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने किया बड़ा दावा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 125 लोगों के दर्ज किए बयान, 2 पहलवान और रेफरी समेत 4 लोगों ने बताई पूरी घटना। ओडिशा के दर्दनाक रेल हादसे पर सलमान खान, सनी देओल, सोनू सूद समेत तमाम सेलिब्रिटी ने जताया दुख, लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील। 7 घंटे के लिए जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली स्थित आवास पर बीमार पत्नी से की मुलाकात। 2 दिन के दौरे पर आज भारत आएंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री यासुकाशु हमादा, राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। 5 किलोमीटर तक सुनाई दी ट्रेनों में टक्कर की आवाज, किसी का हाथ कटा तो किसी का पैर, मंजर देख कांप उठे लोग। पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित, यूएस बोला हमारे लिए गर्व की बात। ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं के पक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी, कहा साल में एक बार पूजा से खतरा नहीं तो रोजाना से क्यों। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, एलजी मनोज सिन्हा ने की बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा। ओडिशा रेल हादसे के बाद लोगों ने दिखाई मानवता, रक्तदान करने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। सभी सांसद अपनी तनख्वाह का 1 हिस्सा करे दान, बीजेपी नेता वरुण गांधी ने ओडिशा रेल हादसे के पीड़ितों के लिए की अपील। राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे भगवान, बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। 11 जून को राजस्थान में होगा बड़ा सियासी धमाका, सचिन पायलट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। कोरोमंडल रेल हादसे से सदमे में क्रिकेट जगत, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग समेत कई स्टार क्रिकेटरों ने जताया शोक। साजिश हो सकती है, टाइमिंग अजीब है, पूर्व रेल मंत्री ने की ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच की मांग। बालासोर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। माफिया के कब्जे से छुड़ाई जमीन पर सीएम योगी ने खड़ा किया गरीबों का आसियाना, 6 जून को निकाली जाएगी लॉटरी। दुनिया भर में उभर रहे नए वायरस, मनसुख मंडाविया बोले इस पर लगाम लगाने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी। सीएम गहलोत का ऐलान, 4 जून से प्रदेश में मुफ्त बिजली, किसानों को मिलेगी 2000 यूनिट फ्री। एमएस धोनी का जबरा, फैन शादी के कार्ड पर ही प्रिंट करवाई कैप्टन कुल की फोटो। बिहार में विपक्षी एकता की तैयारी में जुटा महागठबंधन, जल संसाधन मंत्री संजय झा बोले ऐतिहासिक होगी 12 जून की बैठक। बालासोर ट्रेन हादसे में साजिश की आशंका, गहन जांच हो, एंटी कोलिजन डिवाइस होता तो टल सकता था हादसा, घटना स्थल पर पहुंची ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बीते दिन मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन का नहीं हुआ उद्घाटन, ओडिशा हादसे के बाद बीजेपी ने रद्द किए देश भर में होने वाले कार्यक्रम। अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी, देश में पहली बार राजस्थान में लागू हुआ नया सिस्टम। सरकार सबके साथ नहीं बल्कि ब्रजभूषण सिंह के साथ है, पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बनाना होगा, जम्मू में सीएम के खिलाफ गरजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। बालासोर के दुर्घटना स्थल का दौरा करने पहुंची सीएम ममता बनर्जी, बंगाल के मृतकों के परिजनों के लिए किया जाएगा 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। सीएम बना तो 6 महीने में बदल दूंगा, बंगाल विधानसभा चुनाव से 3 साल पहले ही बॉलीवुड फिल्म स्टार सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भरी हुंकार। गूगल ने प्ले बुक्स के लिए लॉन्च किया नया रीडिंग प्रैक्टिस फीचर, लैंग्वेज सीखने में मिलेगी मदद।
1.5 अरब आबादी वाले देश के पीएम हर जगह सम्मान के हकदार इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, कहा जून से हर राज्य से होकर गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी और सीएम योगी संत हैं, साध्वी नीरजव ज्योति बोली प्रधानमंत्री ने देश का माहौल बदल दिया। ऐसी कोई स्कीम नहीं जो सबके लिए हो फ्री, कांग्रेस के 5 वादों पर बोले कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे। उड़ीसा ट्रेन हादसे पर शुरू हो गई राजनीति, विपक्ष के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मांगा इस्तीफा। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस का आखिरी गढ़, डहाने की तैयारी में जुटी बीजेपी, मिशन 2024 के लिए आक्रामक व्यू की रचना। राजस्थान विधानसभा समेत आगामी लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की तैयारी में बीजेपी बनाई बड़ी रणनीति, मैदान में उतारेगी पूरी फौज। यूपी के 25 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट, गिरेंगे ओले, मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने की दी सलाह। WFI के पास सिर्फ 7 दिन का समय, नहीं हुए चुनाव तो निलंबन तय, अब तक जांच ऑफिसर की नियुक्ति भी नहीं। ओडिशा ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक, कईयों ने की मदद की पेशकश। ओडिशा ट्रेन हादसे में हुए घायलों से मिलने पहुंचे सीएम पटनायक, रेस्क्यू में रात भर जुटे स्थानीय लोगों का किया धन्यवाद। RBI ने जारी किया साइबर सुरक्षा को लेकर ड्राफ्ट, डिजिटल पेमेंट सेफ्टी को लेकर भी दिए निर्देश। एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के बंद होने से कई रूट पर महंगी हुई यात्रा, दिल्ली लेह का विमान किराया पेरिस के बराबर। रेल मंत्रालय से सेफ्टी दावों की खुली पोल, कवा सिस्टम हुआ फेल, बालासोर ट्रेन दुर्घटना को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश में महाकौशल से होगा चुनाव अभियान का आगाज, पीएम मोदी और प्रियंका गांधी भरेगी हुंकार। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता, तमिलनाडु सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के दमोह में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने वाले स्कूल पर बड़ी कार्यवाही, प्रशासन ने खत्म की मान्यता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओडिशा में 3 ट्रेनें आपस में टकराई, अब तक 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल, पीएम मोदी ने बालासोर पहुंचकर घटनास्थल का लिया जायजा। जी हां, ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुआ हादसा दिल दहला देने वाला है। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वह भयावह है, उन्हीं से यह अंदेशा हो गया था कि मृतकों का आंकड़ा सैकड़ों पार कर लेगा, हुआ भी यही, पहले 30 फिर 50 आगे 70 लोगों की मौत की संख्या आधी रात को 120 में बदली और देखते देखते 207 से 280 तक पहुंच गई। अभी तक के सामने आए आंकड़ों के अनुसार 900 से अधिक लोग घायल हैं। NDRF को बोगियों के बीच चिपके शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। बचाव अभियान में मदद के लिए सेना ने भी आगे हाथ बढ़ाया। भयंकर ट्रेन हादसे के बाद ओडिशा और तमिलनाडु में 3 जून को एक दिन का राजकीय शोक रहा। सीएम पटनायक और स्टालिन ने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इस ट्रेन हादसे की जाँच CRS SC सर्किल AM चौधरी करेंगे, उन्हें हादसा होने के बाद में ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जाँच के आदेश देते केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैंने यह पता लगाने के लिए कुछ स्तरीय जांच करने का आदेश दिया है कि यह दुर्घटना क्यों हुई, इसके मूल कारण तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। उधर अस्पतालों में भर्ती दुर्घटना के पीड़ितों के लिए दवाओं और वह अन्य जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में सचिव सलीनी पंडित ने बताया कि सभी आवश्यक प्राथमिक उपचार सामग्री, दवाएं और IV तरल पदार्थ पर्याप्त स्टॉक में है। रेल हादसे के बाद पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, NDRF के प्रमुख और रेलवे के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद पीएम मोदी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। बता दें कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए PMO और रेल मंत्रालय की ओर से 12-12 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी, देश में पहली बार राजस्थान में लागू हुआ नया सिस्टम। जी हां, सरकारी कर्मचारियों पर इस समय राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खूब मेहरबान है। महंगाई भत्ता बढ़ाने और पदोन्नति के बाद अब एक और शानदार तोहफा सरकार की ओर से कर्मचारियों को मिला है। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अब राज्य के कर्मचारी अपना वेतन भी एडवांस में ले सकते हैं। नई व्यवस्था 1 जून से लागू हो गई है। खास बात यह है कि अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक
एडवांस सैलरी देश के किसी भी स्टेट में नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी अपने वेतन का आधा हिस्सा एडवांस में लेने के हकदार होंगे। एक बार में 20,000 रुपए का अधिकतम भुगतान किया जाएगा। नई व्यवस्था को 1 जून से लागू कर दिया गया है। खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारी को एडवांस में अपनी सैलरी लेने पर कोई ब्याज भी नहीं चुकाना होगा। वित्तीय संस्था केवल ट्रांजेक्शन चार्ज ही वसूल करेगी। आधा वेतन पहले ही मिलने की सुविधा से छोटे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। अब उन्हें अपनी जरूरतों को पूरी करने पर मोटे ब्याज पर पैसा नहीं उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने एडवांस में वेतन लेने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। कर्मचारी को यह भी नहीं बताना होगा कि उसे एडवांस क्यों चाहिए। IFMS पोर्टल पर कर्मचारियों को वेतन के एडवांस भुगतान के लिए आग्रह करना होगा। ऐसा करने पर अगले महीने के वेतन का बिल जनरेट हो जाएगा। दरअसल राजस्थान में कुछ समय पश्चात ही चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से राज्य की कांग्रेस सरकार आए दिन कोई न कोई राहत वाली घोषणा कर रही है।